हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर सेवन एंड एट इन क्वेश्चन नंबर सेवन एंड एट वी हैव टू फाइंड द एंगल्स एंगल्स की वैल्यू आपको निकालनी है कुछ कंडीशंस के साथ तो करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो पार्ट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है ये फिगर आपको दी हुई है इस फिगर में मैंने आपको बताया था ध्यान से देखना एक बात आपने ध्यान रखनी है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बने स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बने हैं उन सबको अगर आप प्लस करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा वन एटी डिग्री ये रिजल्ट आपने याद रखना है अगर एक स्ट्रेट लाइन है डी ओ ए इज अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंग लाइन पर जितने भी एंगल बने हैं उन एंगल्स को आप अगर प्लस करते हो तो हमारे पास क्या होगा उनका सम क्या होगा वन डिग्री तो कर दो पुट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन पार्ट नंबर फर्स्ट सिंस डी ओ एज स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन है तो देखो ध्यान से डी ओ सी स्व एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस बी ओ ए इज इक्वल टू वन एटी डिग्री इसकी वैल्यू क्या है टू एक्स प्लस यहाँ से क्या है फिफ्टी प्लस यहाँ से एक्स माइनस फिफ्टीन राइट टू एक्स प्लस एक्स कितना हो गया थ्री एक्स फिफ्टी प्लस 60 सिक्सटी सिक्सटी में से टेन गया सिक्सटी में से टेन गया 45 फाइव इज़ इक्ल टू वन एटी डिग्री सो थ्री एक्स प्लस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू वन एटी ये प्लस है वहाँ जाके माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू वन एटी माइनस फोर्टी फाइव टेन माइनस फाइव फाइव यहाँ बचा सेवन सेवन माइनस फोर थ्री यहाँ मेरे पास क्या बचा वन सो एक्स इज इक्वल टू अब देखो एक्स यहाँ थ्री एक्स इज इक्वल टू वन थर्टी फाइव एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड थ्री फोरजार ट्वेल्व बच गया वन थ्री फाइव आर फिफ्टीन सो कितना आ गया फोर्टी फाइव डिग्री ओके इन सेम वे वी हैव टू डू पार्ट नंबर सेकेंड पार्ट नंबर सेकेंड में भी देखो आपको जो फिगर गिवन है फिगर के अकॉर्डिंग जितने भी ये एंगल्स हैं इनको प्लस करोगे तो क्या बनेगा वन एटी डिग्री ठीक है तो आपने क्या लिखना है सेम डी ओ इज अ लाइन तो लिखोगे सिंस डी ओ इज अ लाइन है? तो कौन कौन सा एंगल है डी ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ ए इज इक्वल टू तो वन एटी डिग्री यहां पे फाइव एक्स थर्टी प्लस फिफ्टी फाइव एक्स प्लस थर्टी प्लस फिफ्टी इज इक्वल टू वन एटी फाइव एक्स प्लस एटी इज इक्वल टू वन एटी प्लस है वहां जाके माइनस सो कितना आ गया वन एटी माइनस एटी फाइव एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड बाई फाइव ट्वेंटी सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी ओके अब देखो नेक्स्ट पार्ट नंबर थ्री तो यहाँ से देखो जो भी ये आपका एंगल है अब देखो यहाँ पे जो ये साइन दिया हुआ है ना बेटा इस साइन का एक मतलब है वो मतलब क्या मैं आपको बताऊँगी इसका मतलब है ये कितना है नाइन्टी डिग्री अगर आपको दिया भी नहीं हुआ तो आपने समझ लेना है ये जो साइन जहाँ बना होगा ऐसे इसका मतलब क्या है नाइन्टी डिग्री सिंस डी ओ इज़ अ लाइन सिंस डी ओ अ लाइन सेम आपने लिखना है एंगल डी ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ ए इज इक्वल टू वन एटी डिग्री आप देखो यहाँ से टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन्टी कर दो वैल्यूपोट टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन्टी इज इक्वल टू वन एटी टू एक्स प्लस थ्री एक्स फाइव एक्स प्लस नाइन्टी इज इक्वल टू वन एटी फाइव एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी बाई फाइव मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में फाइव वन सर फाइव बच गया कितना फोर फाइव एट जर फोर्टी तो आंसर विल बी एटीन ओके नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर ध्यान से देखना ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू सेवेंटी एट अगर एंगल ए ओ सी सेवेंटी एट तो उसके सामने जो एंगल है वो भी कितना होगा सेवेंटी एट रीजन क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल तो यहाँ पे क्या लिखोगे सिंस लिखोगेक्ट सी डी एट ओ ए बी इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को किस पॉइंट पे ओ पे सो एंगल ए सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा एंगल वाई किसका नाम दोगे ए सी इज इक्वल टू वाई इसका मतलब ये कितना हो गया सेवेंटी एट इसका रीजन क्या लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अपोजिट एंगल्स ओके अब आ जाओ नेक्स्ट पे वी हैव टू फाइंड वाई वी हैव टू फाइंड एक्स एंड जेड अब ध्यान से देखना अगर मैं बात करूं ए ओ बी इज अ लाइन अगर ये लाइन है तो ये दोनों क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर ये अगर लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर कितने का होता है वन एटी डिग्री तो यहाँ पे क्या लिखोगे सिंस ए ओ बी इज अ लाइन सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन एटी डिग्री रीजन लीनियर पेयर ठीक है तो यहाँ से कितना आ जाएगा वाई की वैल्यू कितनी आई सेवेंटी एट इज इक्वल टू वन एटी सो एक्स इज इक्वल टू वन एटी माइनस सेवेंटी एट टेन माइनस एट टू यहाँ पर क्या आएगा सेवन में से सेवन गया ज़ीरो ये वन वन हंड्रेड टू ओके अगर x की वैल्यू आपकी 102 है तो z एंड x आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो क्या लिखोगे x इज इक्वल टू जेड रीज़न क्या दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू वन हंड्रेड टू डिग्री क्लियर तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेवन एंड क्वेश्चन नंबर एट आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर थैंक यू सो मच